गरीब अपाहिज की जादुई झोपड़ी। रात का समय होता है, शिल्पा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति से कहती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम अपने अपाहिज माँ को घर से क्यों नहीं निकालते हो? तुम समझती क्यों नहीं हो, प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम है। जब तक वो प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं कर देती है, तब तक मैं उन्हें नहीं निकाल सकता। एक तो तुम्हारी माँ अपाहिज है और ऊपर से कोई काम भी नहीं करती है, हमारे सर पर बोझ और बन गई है। तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सोचता हूँ कुछ। दोनों आपस में लड़ते हुए सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी सारी बातें उनकी बेटी रश्मि सुन लेती है और चुपचाप रात के समय अपने माता पिता के सोने के बाद अपनी बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे कहती है, दादी क्या आप सो गई हो? नहीं मेरी गुड़िया, लेकिन तुम इतनी रात के समय मेरे कमरे में क्या करने आई हो? रश्मि रोने लगती है और अपनी दादी से कहती है, मेरी माँ बहुत बुरी है, वो आपको घर से निकालना चाहती है, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना दादी माँ। ये सुनकर लता को बहुत दुख होता है। चिंता मत करो मेरी बिटिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लता अपनी पोती को गले से लगा लेती, लेकिन अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, शिल्पा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ माँ जी, कहाँ हो आप? आपको ये घर के काम दिखाई नहीं देते हैं क्या? पूरे दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा थोड़े से काम भी कर लिया करो। एक व्हील चेयर पर बैठकर मैं घर के काम कैसे कर पाऊंगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है मुझे, ऑफिस के लिए देरी हो रही है और अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं है। शिल्पा की ये बात सुनकर लता व्हील चेयर की मदद से रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता बनाते बनाते उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये लो हो गए शुरू बहाने। इतने बहाने करने से अच्छा होता है कि तुम इस घर को छोड़कर कहीं चली जाती। ऐसा कहकर शिल्पा ऑफिस के लिए चली जाती है, जिसके बाद बेचारी लता रोने लगती है और अपने कमरे में आकर अपने कुछ कपड़े एक पोटली में बांध लेती है। अब मैं अपनी बहू और बेटे के ऊपर और बोझ नहीं बन सकती, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। लता ऐसा सोचकर जा रही होती है, लेकिन तभी रश्मि उससे कहती है, दादी मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन बिटिया, हमारे साथ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ अपने माता पिता के साथ खुशी से रह सकती हो। मुझे बस आपके साथ ही रहना है दादी। रश्मि लता की एक नहीं सुनती, जिसके बाद रश्मि अपनी दादी के साथ उसकी व्हील चेयर को चलाते हुए जंगल की तरफ ले जाती है। चलते चलते लता को एक देवी माँ की मूर्ति मिलती है, जिसे छूकर वो उठाती है और कहती है, अरे देखो तो सही, कितनी प्यारी मूर्ति है, पता नहीं किस मूर्ख ने देवी माँ की मूर्ति को यहाँ फेंक दिया। रश्मि व्हील चेयर को एक बड़े से घने पेड़ के नीचे लगा देती है, जहाँ वो थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगते हैं। दादी माँ, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा, क्यों ना हम यहीं पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ले जिसमें हम रह सके। लेकिन बिटिया, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम झोपड़ी कैसे बनाओगी, कहीं तुम्हारे हाथों में कांटे ना चुभ जाएं। लता ये कह ही रही होती है कि तभी लकड़ी उठाते उठाते रश्मि के हाथ में एक कांटा चुभ जाता है और वो रोने लगती है, जिसके बाद देवी माँ की मूर्ति अचानक से चमकने लगती है और उसके अंदर से स्वयं देवी माँ निकलकर बाहर आती है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। चलो तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। देवी माँ के कहने पर रश्मि और लता दोनों अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों से उनके लिए एक सोने की जादुई झोपड़ी प्रकट करती है। चलो अब अपनी आंखें खोलो। रश्मि और लता अपने सामने जादुई सुनहरा घर देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या ये सच में सोने का घर है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की, हम आपके आभारी हैं। देवी माँ, आपने हमारी इतनी मदद की, क्या आप हमारी एक और मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? देवी माँ, मेरी दादी माँ के पैर पैरालाइज हो गए हैं, उसके बाद से दादी माँ कभी चल नहीं पाई, क्या आप उनके पैरों को ठीक कर सकती हो? रश्मि के इतना कहते ही देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों से लता के पैरों को ठीक कर देती है, जिसके बाद वो चलने फिरने लगती है। अरे देवी माँ,
ये तो चमत्कार हो गया है। मैं तो अपने पैरों पर चलने लगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। लता की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता, जिसके बाद देवी माँ वापस मूर्ति में समा जाती है। उनके जाते ही रश्मि और लता सोने के जादुई घर में पहुंच जाते हैं। उस घर में रहने की सभी सुख सुविधाएं होती है। तभी लता को रश्मि के हाथ से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, बिटिया तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है। जादुई घर, क्या तुम मेरी पोती के जख्म को ठीक कर सकते हो? लता के इतना कहते ही रश्मि के हाथों का जख्म अपने आप गायब हो जाता है। अरे वाह, अच्छा हुआ तुम्हारे हाथों का जख्म ठीक हो गया, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। लता और रश्मि रात को खाना खाकर आराम से जादुई सुनहरे घर में सो जाती हैं। दूसरी तरफ राजीव अपनी माँ और अपनी बेटी के घर से भाग जाने की वजह से परेशान हो जाता है। पता नहीं कहाँ चली गई दोनों के दोनों, अब मैं इन दोनों को कहाँ ढूंढूंगा। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, आपकी माँ जहाँ मर्जी हो, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। अरे मुझे टेंशन है, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ भी नहीं लगेगी। हमें किसी भी हालत में दोनों को ढूंढना ही होगा। राजीव और शिल्पा दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लता अपनी पोती रश्मि के साथ खुशी खुशी रह रही होती है। ये जादुई घर हमारी सभी इच्छाओं को पूरा तो कर देता है, लेकिन हमें हमेशा इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। क्यों ना हम खुद का कोई काम खोलें? आप बिल्कुल सही सोचती हो दादी, हमें खुद का कोई काम खोल लेना चाहिए। क्यों ना हम एक राशन की दुकान खोलें? सुझाव बुरा नहीं है तुम्हारा, हमें अपनी एक राशन की दुकान खोल लेनी चाहिए, उसके चलते हम चार पैसे कमा सकते हैं। इतना सोचकर जादुई घर से कहती है, जादुई घर, हम एक राशन की दुकान खोलना चाहते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा पैसा और राशन का सारा सामान चाहिए। क्या तुम हमारे लिए इस घर के बाहर एक राशन का गोडाउन बना सकते हो? लता के इतना कहते ही जादुई सुनहरे घर के बाहर राशन का एक बहुत बड़ा गोडाउन प्रकट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर खूब सारे पैसे भी प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह दादी माँ, देखो कितना सारा पैसा है, और जरा बाहर आकर देखो, यहाँ पर गोडाउन भी आ गया है। उस दिन के बाद से रश्मि और लता दोनों एक राशन की दुकान खोल लेती है और खुद से पैसे कमाना शुरू कर देती है। एक दिन वो दोनों मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर अपने घर की तरफ लौट रही होती है, तभी शिल्पा और राजीव उन दोनों को देख लेते हैं और उनका पीछा करते करते जादुई सोने के सुनहरे घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये दोनों सोने के जादुई घर में रह रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, चलो इन दोनों के पैरों में गिरकर माफी मांग लेते हैं। शिल्पा और राजीव दोनों लता और रश्मि के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं भी अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, वापस घर लौट आओ ना, कई दिनों से आपको ढूंढ रहा हूँ मैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम दोनों कितने लालची हो ये तो मैंने देख लिया है। पिताजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप प्रॉपर्टी और पैसों के चक्कर में अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल दोगे। आपको अपना बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है, मैं अपनी दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन राजीव और शिल्पा को हकीकत में अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो चुपचाप अपने घर लौट आते हैं। उस दिन के बाद से रश्मि और लता दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सर्द भरी लहरों ने शोभेपुर गांव के चप्पे चप्पे को घेर लिया था। आसमान से बरसती बर्फ के टुकड़े जमीन पर अपना हक जमा रहे थे, जैसे सर्दी ने शोभेपुर को सीप में समा लिया था। अगर हर घर आंगन में आग जल रही, मगर गरीब दर्जी दामोदर के हाथ अभी सिलाई मशीन पर ही दौड़ रहे थे। आखिरकार उस बूढ़े गरीब दर्जी बाप के कंधों पर पांच बेटियों के ब्याह का बड़ा बोझ जो था। बाबूजी, बहुत देर हो गई है, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। तू अपने बाबूजी की चिंता मत कर बबीता, बिटिया खाना खा ले और अपने बहनों को भी खिला दे। मुझे ये कुर्ता कल सवेरे काशी सिंह को देना है, तू जानती है वे स्वभाव से गर्म पंथी है। ऐसा बोलकर दामोदर फिर से सिलाई मशीन पर हाथ फेरने लगता है कि दामोदर की सबसे छोटी बेटी छवि बोलती है, बस बाबूजी, अब अपने सिलाई मशीन के किटपिट बंद कीजिए और चलकर खाना खाइए, वरना हम पांचों बहनें आपके बगैर एक भी कौर नहीं खाएंगी। हाँ, तू नहीं सुधरेगी ना, जब देखो दबंगई दिखाती रहती है अपने दर्जी बाप को। अपने पिता को खाना परोस कर पांच बहने बैठ जाती हैं, तभी दामोदर बोलता है, अरे क्या बात है, तुम पांचों बहनों ने
अपनी थाली नहीं लगाई? पिताजी वो क्या है ना, हम पांचों ने तो दोपहर में ही इतना ज्यादा खा लिया था कि पेट में एक दाने की जगह नहीं। बबीता बड़ी ही सफाई से अपने पिता के प्रश्न का प्रत्युत्तर देती है, मगर उस गरीब बाप की आंखों से घर की बदहाली कहाँ छुपी थी, जिसे सोचकर दामोदर रोते हुए बोलता है, मेरी बेटियों, तुम्हें अपने पिता के आगे झूठी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा गरीब पिता तुम्हें दो वक्त का खाना भी भरपूर से नहीं खिला पाता, उसके घर में दोपहर का भोजन कहाँ से मुहैया होगा? तुम लोग भी मन ही मन कुड़ती होगी, कैसे गरीब बाप की बिटिया हो तुम, जो तुम्हें खुला खर्चा भी नहीं देता। अपने पिता की ये बात सुनकर पांचों बहनों का मन पसीज पड़ता है और अलका अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोलती है, ऐसा ना कहिए बाबूजी, आपने हम पांचों बहनों की परवरिश के लिए अपना जीवन झोंक दिया, पाई पाई कमाने के लिए आप दिन रात इस सिलाई मशीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं, ये क्या कम है कि आपने माँ के जाने के बाद हमें कभी भूखे ना सोने दिया? हम पांचों बहनों के लिए आप हमारी जमीन आसमान है। इसके बाद पांच बेटियां अपने गरीब दर्जी पिता के साथ खाना खाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है, तभी एक दिन धर्मेश उसके पास आता है। अरे दामोदर, जल्दी से मेरा नाप ले ले और इन कपड़ों से मेरे लिए सुंदर सा कुर्ता सिल देना। अरे क्या बात है भाई, ये महंगे मलमल का कुर्ता पहनकर किसी रिश्तेदारी में जाना है क्या? अरे नाते रिश्तेदारी में नहीं जाना, ये कुर्ता कल मैं अपनी बिटिया की शादी में पहनने के लिए सिलवा रहा हूँ। तू बता कब कर रहा है अपनी पांच बेटियों के हाथ पीले? अरे छवि तो अभी किशोरी ही है, उसकी डोली उठने में तो देरी है। अरे मगर चार बेटियां तो ब्याह के लायक हो गई हैं। बेटियों को समय रहते ही ब्याह देने में भलाई है, वरना जात बिरादरी तरह तरह की बातें बनाता है। जानता हूँ मेरे यार, मगर दिन रात मुझ दर्जी के आग गड़ा कर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी विशेष कमाई हाथ नहीं आती, ऊपर से मरजानी ठंड की मार तो हर साल सौतन बनकर चली आती है, हाथ अकड़ जाते हैं और कपड़े भी जल्दी नहीं सिल पाते। वैसे मैं जिस कपड़ों के कारखाने में काम करता हूँ उन्हें एक निपुण दर्जी की जरूरत है, अगर बढ़िया शर्ट सिल दिया तो अच्छा दाम देंगे। वह गरीब दर्जी इस अवसर को हर हाल में अपने हाथों में हासिल करना चाहता था। उसकी पांचों बेटियों ने इस योजना को सुन लिया था। तभी परिणीति और हेमा कहती हैं, बाबूजी आपकी पांचों बेटी इस काम में आपका हाथ बटाएंगी। हाँ बाबूजी, अगर हमारे हाथों में सिलाई कढ़ाई का हुनर होगा तो कल को बुरे वक्त में हमें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिलाई सिखाऊंगा। इस तरह वह गरीब दर्जी बाप अपनी पांचों बेटियों को सिलाई सिखाता है। सभी बड़े ही गौर के साथ बेहद कम वक्त में बारीकी के साथ सिलाई सीख लेती हैं। अब दामोदर धर्मेश के कारखाने के लिए शर्ट सिलने का काम करने लगता है, जिसमें उसकी बिटिया बढ़ चढ़ कर हाथ बटाती है। तभी एक दिन दरवाजे पर एक नए चेहरे की दस्तक होती है। वो शख्स सूट बूट पहने हुए थे। जी नमस्ते, मैं धर्मेश का मालिक हूँ यशवंत, अंदर आ सकता हूँ? जी जरूर साहब। कुछ देर बाद, ये लीजिए चाय। क्या बात है साहब, मुझे गरीब दर्जी बाप के सिले कपड़ों में कोई कमी हो गई क्या जो आप यहाँ आए हैं? जब से आप जैसे दर्जी का हाथ मेरे कारखाने पर पड़ा है, हमारा शर्ट व्यापार चार मीनार की बुलंदी छू रहा है। मैं तो यहाँ आपकी दोनों बेटियाँ मांगने आया हूँ। भगवान ने मुझे लंबा चौड़ा कारोबार, बड़ा घर बार सब दिया है, बस गुनी बहू की आस है। ये सुनकर उस गरीब दर्जी बाप की आंखें भर जाती हैं और वह अपनी बड़ी बेटी बबीता और परिणीति की शादी यशवंत सहाय के घर में हो जाती है। और अपनी बेटियों को विदाई देते हुए वह गरीब दर्जी बाप बोलता है, शायद भगवान की सोझी नजर वही खाते पर पड़ गई जो उन्हें मुझ गरीब दर्जी की मेहनत से भेंट हो गई और भगवान ने आपको भेजा। जाओ मेरी बेटियों, ये बाबुल तुम्हें दिल से दुआएं देता है कि ससुराल में तुम्हें सुखी संसार मिले। इस तरह गरीब दर्जी बाप अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है, मगर अभी उसके कदमों को रुकने की कहां इजाजत थी। एक और अभी उसकी दो बेटी का घर बसा ही था कि सर्दी की गर्दिश बयार ने उनसे उनके फूस के घर की छत छीन ली। हे भगवान, अब इस ठंड में मैं अपनी बेटियों को कैसे बचाऊं? बाबूजी बहुत जोर का जाड़ा लग रहा है, कुछ कीजिए। चिंता मत करो बच्ची, मैं कुछ करता हूँ। उस गरीब बूढ़े दर्जी बाप ने खुद को ठंड की मार झेल कर जैसे तैसे दोबारा फूस की छत चढ़ाई। दिन बीतते गए, मगर वो गरीब इस कदर अपनी मेहनत में मगन था कि उसे ठंड की कहां पड़ी थी। उसकी आंखों में तो बस अपनी बेटियों के घर बसने की अभिलाषा मंडरा रही थी। वह लगातार मेहनत करता गया।
इस बीच कई दफा ठंड की छटा उसे छू कर गई और वह दिन भी आ गया जब अलका और हेमा के हाथ भी पीले हो। पिताजी अपना ख्याल रखना। पिताजी हमें गर्व है जो हम आपकी बेटी हैं। जाओ मेरी बेटियों, मगर अपने बाबुल की एक सीख हमेशा याद रखना। ये जीवन उस भ्रमित भंवरे के जैसा जिसे जीवन पर मंडराना पड़ता है, उसके पग किसी एक पुष्प पर नहीं ठहरते, इसलिए जीवन की हताशा से कभी मत हारना। इस तरह अपने दर्जी पिता के दिए सीख के दामन को थाम कर अलका और हेमा भी ससुराल चली जाती हैं। उस रात उस गरीब दर्जी का घर आंगन जुगनू के जैसे रोशन था, जिसे देख कर वह खुद से बोलता है, यकीन नहीं होता कि मुझ गरीब दर्जी के बाप के कंधे बगैर सूद खोरों के कर्जदार हुए मेरी चारों बेटियों का घर बस गया। अब बस मेरी आखिरी सोन चिरैया भी अपने ससुराल चली जाए। बिल्कुल नहीं बाबूजी, आपकी छवि इस घर आंगन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आपकी आखिरी बिटिया का जीवन अपने दर्जी पिता की दहलीज के अंदर ही बीतेगा। इस तरह उस गरीब दर्जी पिता की पांचवी बेटी बेटे के प्रारूप में अपने मायके में ही रहकर अपने बूढ़े पिता के अगले सफर में उनका सारथी बनकर खड़ा उतरती है। कड़वा कथन है, मगर एक गरीब बाप अपनी बेटियों की डोली के लिए जीवन भर सूद खोर के बड़े बोझ तले दबा रह जाता है। मगर यह दामोदर का दृढ़ संकल्प ही था जो हर बार ठंड का कहर झेलकर भी उसका ठाना हुआ निश्चय नहीं टूटा।